गणपति जी के भोग के लिए आज हम बनाएंगे बेसन मोदक ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और इतने सॉफ़्ट होते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना इसके लिए गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और फ्लेम लो रखेंगे इसमें डालेंगे तीन बड़े चम्मच देसी घी आप रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं बट देसी घी से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है ये मैंने तीन बड़े चम्मच डाल दिए अब घी के मेल्ट होते इसमें डालेंगे एक कप बेसन ये 250 फिफ्टी एम का कप है और ये वजन से डेढ़ सौ ग्राम बेसन है इसे अच्छे से घी में मिक्स करेंगे और फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे ये देखिए इसने घी को एब्जॉर्ब कर लिया जैसे जैसे हम इसे भूनते जाएंगे ये घी रिलीज़ करना शुरू कर देगा ये देखिए अब ये पंद्रह मिनट हो चुके हैं इस तरह का टेक्स्चर हो गया है थोड़ी देर हम इसे और भूनेंगे ये देखिए अब बेसन ने घी रिलीज कर दिया है और इसे भूनते हुए मुझे सत्रह से अठारह मिनट हो चुके हैं और फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है अब इस स्टेज पे हम इसमें आधा कप चीनी ऐड कर देंगे फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे चीनी को मिक्स करते ही हम इसमें एक कप दूध ऐड कर देंगे ये टू फिफ्टी एम दूध है नॉर्मल दूध है उबला हुआ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें ये देखिए और लम्ब्स भी इस तरह से तोड़ते जाएंगे बेसन बहुत ही जल्दी दूध को एब्जॉर्ब कर लेता है ये देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे अब हम इसमें थोड़ा सा केसर वाला दूध ऐड करेंगे ताकि इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाए और इससे कलर भी बहुत बढ़िया आ जाता है तो दो बड़े चम्मच गरम दूध में हमने 10 से 12 केसर के धागे भिगो दिए थे तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे भी हम ये देखिए अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी भी इसमें थोड़ा सा कलर फीका लग रहा है तो मैं इसमें दो चुटकी ड्राई येलो फ़ूड कलर को थोड़े से पानी में घोल कर कर रही हूँ अगर आप जेल फूड कलर यूज़ कर रहे हैं तो दो तीन ड्रॉप्स डाल दें वैसे आप फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम तीन बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं इससे क्या होगा इसमें बहुत ही बढ़िया खोए वाला टेस्ट आ जाएगा क्योंकि हम इसमें खोया नहीं डाल रहे हैं आप चाहें तो इसमें खोया भी डाल सकते हैं ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये बहुत ही इजीली मिक्स हो जाता है आप चाहें तो मिल्क पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं उसके बिना भी ये बहुत टेस्टी बनते हैं बट इससे क्या होता है इसका टेस्ट बढ़ जाता है अब दो मिनट भूनने के बाद ये इस तरह से डो फॉर्म में आ जाएगा और कढ़ाई छोड़ने लगेगा तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए ये अभी बहुत गर्म है तो इसे थोड़ा सा हम इकट्ठा कर लेते हैं इस तरह से स्मूथ कर लेते हैं इसे छोड़ देते हैं साइड में रख लेते हैं और इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं तो सेम कढ़ाई में अब हम डालेंगे दस से ग्यारह बादाम लो फ्लेम पर इन्हें हमने दो मिनट तक रोस्ट करना है दस से बारह ही हम इसमें काजू ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं आप इन्हें चाहें तो घी में भी रोस्ट कर सकते हैं बट मैं इन्हें रोस्ट करके ग्राइंड करूँगी तो मैं इन्हें इसी तरह से रोस्ट कर लूँगी रोस्ट करने से इनका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे अब इन्हें हम एक मिक्सर जार में निकाल लेते हैं ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं थोड़ा ठंडा कर लेंगे अब इसमें डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट नारियल का बुरादा ये हम इसमें तीन बड़े चम्मच ऐड करेंगे आप चाहें तो सूखे नारियल को भी ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं ये दो बड़े चम्मच गुड़ जिसे छोटे पीसेस में तोड़कर मैंने इस तरह से ऐड कर दिया है अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है दर दरा सा ग्राइंड करना है ये देखिए इस तरह से अब इसे मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करके एक प्लेट में निकाल लेंगे ये देखिए तो फिलिंग हमारी तैयार है मोदक की ये देखिए बहुत बारीक नहीं किया है मैंने इसे ये देखिए अब बेसन का डो भी हल्का ठंडा हो चुका है इसे थोड़ा सा और स्मूथ कर लेते हैं इस तरह से अब हम मोदक मोड़ लेंगे ये मैं प्लास्टिक का ले रही हूँ मीडियम साइज़ का आप मेटल का भी ले सकते हैं थोड़ा सा इस तरह से घी से ग्रीस कर लेंगे पहली बार बनाते समय थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लें यह आपको इजीली ऑनलाइन या मार्केट में मिल जाएगा साइड से बंद कर लेंगे थोड़ा थोड़ा डो डालकर ये देखिए फिंगर से साइड में प्रेस करते जाएंगे और बीच में फिलिंग के लिए जगह छोड़ देंगे अगर मोदक मोल नहीं है तो आप इसे हाथों से भी इजीली बना सकते हैं ये देखिए इसमें एक से डेढ़ चम्मच फिलिंग डाल देंगे ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह से और ऊपर से बेसन के डो से इस तरह से थोड़ा सा और डालकर बंद कर देंगे अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से शेप आ जाए मोदक की ये देखिए इसी तरह से आप लड्डू शेप में मोदक बनाएं फिलिंग डालकर और ऊपर से थोड़ा थोड़ा खींचते हुए मोदक की शेप देकर हाथों से भी बना सकते हैं साइड से खोल लेंगे ये देखिए इस तरह से और फिंगर से धीरे से इस तरह से लिफ्ट करके बाहर निकाल लेंगे ये देखिए कितना बढ़िया बना ये तो इसे हम प्लेट में रख लेते हैं इन्हें बनाना बहुत ही आसान है आप ज़रूर इस रेसिपी को घर पर ट्राई करें आपको ये मोदक की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर बताएं इसी तरह की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के लाल बटन को क्लिक करें साथ ही आइकन को भी क्लिक करें Thanks for watching!